में ये योग का यहाँ सिंप्लीफाइड मेथड है, साइंटिफिक सिंप्लीफाइड मॉडर्नाइज और स्पिरिचुअल, ये यहाँ की स्पेसिफिक है। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि वंस ए डे एक सिंप्लीफाइड एक जो टेक्निक है या सीक्वेंस है वो हम समझ लें, जिसमें सारे आसन का एक सार आ जाता है, बहुत सारे करने की जरूरत नहीं है। वंस ए डे 24 घंटे में एक बार कैसे कौन सा आसन कैसे करना है वो अभी हमें प्रदर्शित रूप में आपको करा दें। ये वो करेगा सबसे पहले मेडिटेटिव पोस्चर, सब लोग सुखासन पर बैठना, वॉच योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ये था मेडिटेटिव पोस्चर सुखासन टीजी पॉज। श्री योगेंद्र ने कहा पद्मासन की आवश्यकता नहीं, स्थिरम सुखम आसनम, आसन स्थिर हो सुख देने वाला हो, प्रतिशत समापत्ति व्यायाम प्रत न करना पड़े, शिथिल अवस्था आ जाए, रिलैक्स मूड रहे, वो आसन है। जब ऐसा करता है कोई तो तत्व अज्ञान अधिकार था कि पातंजलि योग दर्शन का सूत्र है, द्वंद नहीं सताएंगे उसको, भूख प्यास सर्दी गर्मी दुख सुख उसमें तो सब रहेगा, गीता का समझ। ओम कहने से हमारा इन बिटवीन आर्द्र स्पेस जो आर्द्र चक्र है वो पार्ट वाइब्रेट होता है। अब मौन साइलेंस प्लीज, मौन गीता में भगवान ने कहा वाणी योग में मौन। अब योगिक फेशियल, श्री योगेंद्र योगिक फेशियल कैन स्टेप वन, ये मसाज है, नजला जुकाम सिरदर्द माइग्रेन। थ्री इन बिटवीन आर्द्र स्पेस मसाज, जो भी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं वो साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्री में थर्ड आई प्रेशर रोटेशन में मसाज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फोर आई एंड फुल, देन सिक्स फोरहेड साइड मसाज, सेवन यर इन साइड, एट यर आउटसाइड मसाज, बटिको के लिए कान का बहना पकना, कान की बीमारियों के लिए सिंपल सी प्रैक्टिस। नाइन गोल गाल गोल, चेहरे को नीचे से ऊपर कर लो। टेन अपोजिट प्रेशर फेस को, ओवर। अब दोनों हाथ ऐसे रखकर थोड़ा ऐसे हाथ रखकर मेरे साथ जुड़कर खड़े हो सकते हैं, यस स्टैंड प्लीज, शाबाश। उठे लाइट तो है हम, तालासन वर्टिकल स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइन, स्पेस इन बिटवीन। होल्ड विद हियर या योग स्लो स्लोली विद योगेंद्र रिदम, ठीक है। फाउंडर श्री योगेंद्र ने कहा कि वंस ए डे स्पाइन को वर्टिकल स्ट्रेचिंग देना है, ओवर साइडवर्ड स्ट्रेचिंग। कौन आसन नंबर टू, राइट हैंड ऊपर, हैंड स्ट्रेट, नाउ विद ब्रेथ कम इनसाइड विद ब्रेथ इन टू सेकेंड, होल्ड हियर, you feel better stretching on the waist side, right hand upar hai, left side jao, ab breathe out karte slowly, come back, breathe out, hands down, deep breath, pause of rest, lambi shwas lekar dheere dheere chhodo, gehri shwas hi to chahiye, full breath full life, ye founder ne announce kar diya, full breath full life, शॉर्ट ब्रेथ शॉर्ट ब्रेथ। तो ये टेक्निक ऐसी है योगा इंस्टीट्यूट की जो सिंप्लीफाइड है और ब्रीथ के साथ है, एवरी मोमेंट विद ब्रीदिंग अदर हैंड या ब्रीथ नॉर्मल। मैं चाहूँगा कि जो भी इस शो को देख रहे हैं वो साथ साथ भी कर सकते हैं। योगा फॉर फैमिली, योगा फॉर होम, ब्रीद इन कम इन साइड, ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन होल्ड ब्रीद, आपकी कमर को मजबूत करता है, पेट के अंदर के भागों को मजबूत करता है। श्वास छोड़ते हुए सीधा हो गए, हाथ साइड से नीचे लाए, आपको ऐसा फील होगा कि ब्लड है, अगर खून है तब तो दौड़ेगा, अगर आपके हाथ जब नीचे आएंगे तो आपको लगेगा हाथों में कुछ भारीपन ऐसा महसूस होगा। नेक्स्ट उत्कट आसन, पैरों में अंतर एक है, एक मीन्स
breathe in slowly. Slowly breathe out and sit on heel. Breathe out and slow. Hold here. Now breathe in. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in. And breathe out. And central. ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि एक बार उत्कट आसन किया तो 1 किलोमीटर की वॉक हो गई, स्पॉट वॉकिंग. नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल ट्विस्ट. बैठ जाएंगे वक्रासन के लिए. फिर के लिए देखा हमारे लोअर ज्वाइंट्स, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट्स के लिए प्रैक्टिकल था जो स्पॉट वॉकिंग थी. और अभी हम कर रहे हैं स्पाइनल ट्विस्ट. राइट साइड में ब्रीद आउट करते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करो. ब्रीद आउट, गुड फॉर बैक. कमर को अगर सही रखना है तो ये प्रैक्टिकल. ब्रीद इन करते हुए वापस स्लो. हम फील कर रहे होंगे नाभि के आसपास कैसा कितना दब रहा है. हाथ नीचे आराम से करके रेस्ट. पॉज ऑफ रेस्ट मीन्स लंबी श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़ा. एक डॉक्टर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का कहना है नीरज जैन कि जो ऐसे करता है उसका ब्लड प्रेशर. यस कमिंग लेफ्ट. अभी हम कब गए थे, राइट गए थे ना, अब लेफ्ट आ गए. फेस सेंटर में हाथों के और ब्रीथ इन करते हुए वापस आ गए. सिंपल सा प्रैक्टिकल वंस अ डे. मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, हाथ नीचे. 24 घंटे में एक बार योग हम कैसे करें. ब्रीथ आउट करते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए अभी एक ही और जोड़ लो. राइट साइड में ट्विस्टिंग लो, राइट नहीं की तरफ दाएं की तरफ कमर खोलो और दाएं घुटने की तरफ राइट स्लो. ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट. ट्राई टू टच योर नी, घुटना छूने की कोशिश है बस, ओवर एवर नहीं. ब्रीथिंग करते हुए अभी एक और अच्छी बात याद दिला रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल नॉन वायलेंट है. भारत जो है अहिंसा का पुजारी, अहिंसा का देश है. और ये मेडिकली प्रूव्ड है, बॉडी के साथ बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाना. दूसरी साइड जाएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए स्लोली कम डाउन. ये प्रैक्टिकल पेट के लिए, पेट मोटा हो रहा है, पेट भारी हो रहा है, पेट में गैस है, पेट में कब्ज है, इन सब के लिए एक ही. ओवर एफर्ट नहीं करना, एफर्टलेस एफर्ट. इस प्रैक्टिकल में ये तकलीफ है, माथा नहीं लगे कोई बात नहीं. हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे पहुंचे और भरते श्वास धीरे धीरे स्लो. ओवर. ये था फॉर्मल बैंडिंग. अब हमें चाहिए डायमंड स्ट्रेचिंग. पेट के लेट जान फेस टू फेस धीरे धीरे. अब हम ये देख रहे हैं ये कोबरा पॉज है. हमें देखेंगे अभी आपको एक इसका इतिहास पता. भरते श्वास अपर बैक को उठाओ. स्लो 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 मूवमेंट एक साथ. ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन. योगाचर्या का अप्लाई कर रहे हैं. जब वायल और बॉडी स्ट्रेस पड़ेंगे बालू बढ़ रही है. देखो ऐसे दोनों तेरी क्रॉस क्रॉस रिस्ट, क्रॉस रिस्ट. हम देख सकते हैं अभी प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ. सुबह बिस्तर छोड़ देगा, थोड़ी आगे क्लाइम कर दो, थोड़ी को क्लाइम कर दो. क्रॉस रिस्ट ठीक है. अब जो बिस्तर नहीं छूटता सुबह किसी का तो ऐसे करेगा, पैर थोड़ा दूर रखो पीछे. अगर सूर्य बिस्तर पर ऐसे लेटता है तो उसके ग्रिप का हाथ पर लेफ्ट फ्लैम के कमर अंदर इसके लिए बना. अब इसी का नेक्स्ट टाइम है हथेली पर हथेली रख लो. हथेली पर हथेली वे पर प्राणायाम नंबर 4 है. डॉक्टर ब्रीदिंग फोल्डर लेग्स होती है ट्रेडिशनल, उसका सिंप्लीफाइड है. और ब्रिटेन काउंसिल ऑफ अस्थमा उन्होंने इंप्रूव किया है कि जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ब्रीथ की प्रॉब्लम है, उनके लिए वरदान है. जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ये प्रैक्टिकल मल्टीपर्पज है. कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, बैक के इंसोमनिया, ब्लड प्रेशर, इन सबके लिए एक अच्छा प्रैक्टिकल है. पेट का मोटापा, फैटनेस, पेट ज़्यादा बढ़ रहा है, चर्बी आ रही है, पेट ठीक नहीं है,
श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर भरना है, ब्रीद आउट स्टमक इन, ब्रीद इन स्टमक आउट, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, कंप्लीट रेस्ट एंड रिलैक्स। ये है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, ये है ब्रीथिंग। अब जाकर जाकर आज सपोर्ट देके खुद के बैठो, वज्रासन एक रन करके वज्रासन बैठना, ये देखो। अब ये वज्रासन यानी यार कपाल वाली देर को फॉलो करना, सिट स्ट्रेट फेस डाउन, यस, टेंशन से छोड़ना और लेना, चलने का मन को रुकने के बाद बस एक्सेल है, इसका इंग्लिश में सेंटेंस सुन लो, एक्सेल कंप्लीट है, कंप्लीट के लिए सैल्मन के लिए सुन, विदाउट जर्क एंड विदाउट ब्रेक, वंस मोर, यस, रेडी, स्टार्ट। इसलिए कोशिश करेंगे कि हम अपनी ओर से पेट ना आए, ये इसकी स्पेशलिटी है योगेंद्र योगा इंस्टीट्यूट की, कपाल भाती की। 15 सेकेंड में 30 राउंड, एक्सेल एंड इनहेल, 1, 2, 3, इस तरह से काउंट करेंगे। जब 15 सेकेंड हो जाए 30 राउंड में तो पासिंग मार्क्स है, इसका अर्थ क्या है, आपका लंग से हार्ट से सिंपल सा। अब एक प्रैक्टिकल लास्ट में एक और है, योनि मुद्रा, मिडिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, मैं डेमो कर रहा हूँ, साथ साथ बीच की उंगली नाक पर रखो, लोअर फिंगर्स लिप्स पर, अपर फिंगर आई लाइन, कान का दरवाजा बंद, वापस छोड़ दीजिए। हमें तो यहाँ एक झलक दिखानी है जो आप अलग देखने लायक है, एक झलक थी। अब हम करेंगे लास्ट में नो मूवमेंट एक्सरसाइज, 10 घंटे की डायरेक्टर रहे, आपसे बड़े सर्जन रहे, उन्होंने बैकिंग वालों के लिए सर्वाइवल लाइफ के लिए प्रॉब्लम वालों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस दी है, जो मॉडर्न प्रॉब्लम आज हेल्थ की प्रॉब्लम है, बैकिंग सर्वाइवल सिलेबियस हाइपरटेंशन स्ट्रेस इंसोमिया हार्ट की प्रॉब्लम्स, इन सबकी स्पेशल प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड रिलैक्सर बॉडी। शरीर को उठने छोड़ो और आसपास जो उपलब्ध ध्वनि है उसको कानों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ध्वनि को सुनते जाओ, शरीर को उठने छोड़ते जाओ, केवल सुनना है, इंग्लिश में वर्ड है लिसनिंग मूड, लिसन रिकॉग्नाइज नहीं करना, जो भी अवेलेबल साउंड है आपके रूम में आप जा बैठे हैं, रिलैक्स योर बॉडी एंड लिसन साउंड, ये प्रैक्टिस है। हमें हमारी जो स्पाइनल वाइड से चाहिए ध्यान से देखना, ये यहाँ पर उंगली भी चली जा रही है, ये नेचुरल जो स्पाइन की शेप है वो हमें यहाँ मिल गई। दूसरा आप, अब आप किसी का भी चेक करना, अगर इसका स्पाइन स्ट्रेट है ऐसे तो उसका बॉडी ठीक है, आप आपको यहाँ कुछ अंतर लग रहा होगा, है ना, हमें यहाँ पर भी गड्ढा चाहिए, वापस एड़ी नीचे, ये देखिए आप, हमें ये कमर सीधी चाहिए, ध्यान में आ गई, चेक कर ली, वापस आप आ रहे, ये मैं 2 टेस्ट 3 टेस्ट दिखा रहा, जो आप अपने घर में जो हम लोग घर में देख रहे हैं वो इसको प्रैक्टिस को करके देखिए, नॉर्मल ऐसे बैठे
ये देखो अंतर लग रहा है, हमें स्पाइन कैसी चाहिए? अगर हथेली जमीन से लग रही है तो 100% है, हथेली जमीन से ऊंचा है तो उतने ही माइनस है। इसको मैंने कह दिया था जवान कौन, जवान वो है जिसके अंदर लचक है 60। आप सब लोग चेक कर लेना अपना अपना लेवल 80, 90, 100, 100+ आराम से नीचे तक गया। अब मैं डेमो बाद सबमिट का ऑर्डर दूंगा, जिनका डेडिंग ने आसन दिखाया था भी चेक करा सकते आ जाओ। जो आपको यहाँ पर HPTC में जी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है योगा इंस्टीट्यूट का दिल्ली ब्रांच, वो भी आपको देखने में सीखने को मिलेगा। ये ट्रेडिशनल है, ये भी गाइडेंस देगी, और ये वाला सिंप्लीफाइड है जो योगा इंस्टीट्यूट का स्पेशलिटी है, और सेम रिजल्ट है दोनों सवाल। और इसमें भी योगेंद्र की तरफ हम जोड़ेंगे ट्रेडिशनल आसन आम में वापस सवाल सब नहीं कर सकते, इसलिए जो फाउंडर का हमारा एक जो मैसेज था योगा फॉर ऑल, सब करें, ये सिंप्लीफाई था। और हृदय दोनों में से दोनों स्पाइनल ट्विस्ट है, जो तो पशु होता तो पशुत्तानासन हो गया डायनामिक, ये डायनामिक पशुत्तानासन है जो ये कर रही है मीनाक्षी रन पर, ये हिमांशी जो कर रही है ट्रेडिशनल है। ये देखिए आप, ये दोनों प्रैक्टिकल फॉलो बेंडिंग के जो हमने सिंप्लीफाइड वर्जन किया था योग मुद्रा सेम, ये ट्रेडिशनल है ये वाला मांझी वाला, और वो मीनाक्षी जो कर रही वो सिंप्लीफाइड। ये सब ट्रेडिशनल आसन है, ये खेल है। ये ऐसे नहीं जो आगे पहले तो पद्मासन हो गया, फिर उसके बाद बंध बना हुआ, और उसके बाद ये योगासन कहलाता है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है।
परवा से। कुक्कुट राशि ये मुर्गा देखा। मतलब मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, हमारे ऋषियों ने प्रकृति की खुली प्रयोगशाला में पेड़ पौधे पशु पक्षी झूला मत्स्य आसन की बात होती है। इसको कहते हैं मत्स्य पूर्ण मत्स्य, इसको पूर्ण तो लगाना पड़ गया क्योंकि आदर्श हो गया। ये देखो योगा हमने अब से पहले भी कई बार किया है, योगा हमने अब से पहले भी कई बार किया है, लेकिन यहाँ पे और क्लास में ये फर्क है कि यहाँ कुछ भी योगा सिखाया जाता है उसका साइंटिफिक बेसिस भी सिखाया जाता है कि हमें क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, कब